अक्सर लोग कच्ची सब्जियों का सेवन सलाद के रूप में करते हैं जो सेहत के लिए लिहाज से फ़ायदेमंद माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ कच्ची सब्जियों का सेवन सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। सेहत के लिए कच्ची सब्जियां और फल लाभदायक माना जाता है, लोग इसे सलाद के रूप में खाना बहुत पसंद करते हैं। माना जाता है कि कच्ची सब्जियाँ पोषण से भरपूर होती हैं, लेकिन कुछ कच्ची सब्जियों का सेवन सेहत के लिए खतरनाक भी हो सकता है। आज आपको इस वीडियो में बताएंगे कि किन सब्जियों को कच्चा खाना नहीं चाहिए और कच्चा खाने से उनके क्या नुकसान होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कच्चा बैंगन खाना सेहत के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। यह आपके पाचन तंत्र को प्रभावित कर सकता है। अगर आप कच्चा बैंगन खाते हैं तो उल्टी या पेट में ऐंठन की समस्या से भी परेशान हो सकते हैं, इसलिए कच्चा बैंगन भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। अक्सर लोग कच्चे मशरूम का सेवन सलाद के रूप में करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं यह आपके हेल्थ के लिए हानिकारक भी हो सकता है। इसलिए मशरूम को उबालकर सेवन करें और इसे कच्चा बिल्कुल भी न खाएं। लोग कच्चे ब्रोकली का सेवन सलाद के रूप में करते हैं, लेकिन इसे कच्चा खाने से पेट में गैस या अपच की समस्या हो सकती है। पके हुए ब्रोकली का सेवन करना सेहत के लिए लाभदायक साबित हो सकता है। पत्ता गोभी को पकाकर ही खाएं, जो सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है। अगर आप कच्चे आलू का सेवन करते हैं तो यह आपके सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदायक साबित होता है। यह पाचन तंत्र को प्रभावित करता है, इससे गैस या अन्य पाचन संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। पालक को कच्चा खाने की बजाय इसे उबालकर खाएं, जो सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में उसे बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।